अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नेरुल में मनपा ने तोड़ी दुकानें, गैस कनेक्शन काटे बिना हुई कार्रवाई, दुकानदारों ने उठाया सवाल। नेरुल के मनपा वार्ड अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां के उजाला डेयरी, बिरयानी होटल और आसपास की कई दुकानों के खिलाफ तोड़ू कार्रवाई करते हुए निर्माण ध्वस्त कर दिया। हालांकि गैस कनेक्शन काटे बिना जिस तरह दुकान तोड़ी गई, उस दौरान बड़ा हादसा हो सकता था। उजाला डेयरी के ओनर धर्मसिंहभाई पटेल और दूसरे दुकानदारों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनपा अभियंता ने भारी लापरवाही की, जिससे कईयों की जान जा सकती थी। पटेल ने आरोप लगाया कि मनपा अधिकारी आरटीआई एक्टिविस्टों के साथ मिलकर 30 साल पुरानी दुकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई रोकने पैसों की मांग की गई थी, पैसे नहीं मिले तो दुकान तोड़ डाली गई। जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई किया है कि ये महानगर का गैस है, पहले तो उन्होंने महानगर गैस में लेटर देना चाहिए कि भाई यहाँ गैस महानगर की गैस की लाइन है, वो बंद करना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि महानगर गैस का अगर लाइन टूट जाता था तो यहाँ कम से कम 200 आदमी मरता था, इसका जवाबदार कौन रहेगा? ठीक है, कार्रवाई किया, आई एम एग्री, मगर उन्होंने कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं किया है। पहले महानगर गैस में उनको लेटर देना चाहिए कि भाई जिस तरह से मैं जा रहा हूँ यहाँ कार्रवाई करने को, ऐसा तो किया नहीं उन्होंने। हम लोग ने बोला है कि भाई महानगर का गैस का लाइन चालू है, बोला फिर उन्होंने देखा कि रुकाया, नहीं तो रुकता नहीं था, अभी भी देख रहे हैं कि वो गैस का कनेक्शन तोड़ा हुआ है, ब्लैकमेल का धंधा चालू है। हमारे पास आया था दो आदमी कि भाई मैंने कंप्लेंट किया है, तो मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। मेरे पास 5 लाख रुपया मांग रहा था कि 5 लाख रुपया दो, मैं मांडवली करता हूँ। और फिर मैंने बोला भाई 5 लाख रुपया तो मैं दे नहीं सकता हूँ, आपको जो करने का कर लीजिए, ठीक है, और क्या तोड़ेगा। मगर महानगर पालिका जिस एजेंसी देती है तोड़ने के लिए, वो प्राइवेट एजेंसी रहती है, दारू पी के लोग आते हैं। हमारे पास 20,000 रुपया मांगा कि 20,000 रुपया दे दो, मैं आपका कार्रवाई नहीं करूँगा। तो इस तरह से पैसा क्यों मांगते हैं महानगर पालिका के आदमी लोग? पैसे लेके हम लोग क्या आधा आधा मानवली होता है, 5 लाख रुपया मांगेगा तो 2.5 लाख रुपया वो खाते हैं, 2.5 लाख रुपये ये खाएंगे। इसमें नई मुंबई में कहीं ऐसा धंधा चल रहा है ब्लैकमेलिंग का कि लोगों को, दुकानदार को, एक तो मार्केट में धंधा नहीं है सिर्फ, लोग परेशान है, धंधा नहीं है, ऐसे ब्लैकमेल लोग आते हैं। आप देखो, मैं आपको 125 दुकान और 500 बिल्डिंग दिखाता हूँ, कितने अनलीगली काम चालू है। अभी ये कॉर्नर में जाओ, वहाँ लाइसेंस भी नहीं है, वैसा ही धंधा चालू है, शटर बंद करके वड़ा पाँव बेच रहा है। ये हमारे पास तो पूरा लाइसेंस है, लाइसेंस का काम करके बैठे हैं हम लोग, कौन सा 2 नंबर का धंधा करता है। मैं कंप्लेंट करूँगा जिस इंजीनियर ने हमारे दुकान के ऊपर कार्रवाई किया है, पहला तो उसने गैस लाइन बंद करना चाहिए। अगर गैस फूटता तो, अगर 200-500 आदमी मरता तो इसका जवाबदार कौन रहता था? बता दें कि यहाँ तोड़ू कार्रवाई से 25 से 30 वर्षों से कारोबार चला रहे कईयों की रोजी रोटी ठप हो गई है। इसमें उजाला स्वीट्स और बिरयानी होटल का भी समावेश है। पीड़ित दुकानदारों ने कहा कि मंदी के दौर में जब जीने खाने का यही आसरा बचा था, मनपा ने दलालों की शिकायत पर उनकी दुकान तोड़कर रोजी रोटी छीन ली है, जो ठीक नहीं है। जानबूझ के करवाया गया है, लेकिन तोड़ना चाहिए तो सबका पूरा यहाँ से वहाँ तक तोड़ना चाहिए, पीछे तक, ये भी बात है, पीछे तक सबका तोड़ना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम पीछे तक, हाँ, यहाँ से लेके वहाँ तक एकदम, एक भी पता नहीं रहना चाहिए। हाँ, कार्रवाई पश्चात में हुई है, उसमें वार्ड ऑफिसर की गलती नहीं है, गलती करवाया गया है। हाँ देखो, नगर महापालिका की कार्रवाई करना वो तो उसका काम है, उसके पास जब कंप्लेंट जाएगी तो वो तो जो है ना अपना कार्रवाई करेगी। मगर जैसे अभी थोड़ी कार्रवाई नहीं होती तो ये महंगाई के दौर में नुकसान से बच जाते थे। अभी इतनी महंगाई है जो कि कांदा जो 130 रुपये किलो बिक रहा है, और दाल और हमारा राशन का तो जो और भी उससे ज़्यादा भाव ज़्यादा है, तो हमारे कारोबार जो बंद हो गए, ये बहुत बड़ा हमें नुकसान हो गया। हमारे पास सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर एक दुकान है, 4 बच्चे, अब ये बच्चों को पालना है, दुकान टूट जाएगा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे अपलंग हैं जो मुख बधिर हैं, जिसको बोलते नहीं बोलते, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये हमें आज बहुत तकलीफ़ हो रहा है। जो भी हुआ, महानगर पालिका ने जो भी किया अच्छा किया, हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे थोड़ी लड़ सकते हैं। ऐसे पहले से परेशान है, तेल का भाव बढ़ा हुआ है, कांदा 120 रुपया किलो हो गया है, बाज़ार में लड़के लोग का पगार नहीं निकलता है महीने में,
अब ये इतने पोजीशन पर हाथ इतना परेशान होते हुए दुकान टूट रहा है और दिल में तकलीफ हो गया है ना। वहीं दुकानदारों के आरोपों पर वार्ड अधिकारी संजय ताड़े ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग ने अपने पैनल बॉक्स की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। इसके साथ ही अवैध निर्माण की कई शिकायतें आने के बाद नोटिस भेजकर कार्रवाई की गई है। उन्होंने पैसे लेकर कार्रवाई रोकने या पक्षपात करने के आरोपों को निराधार बताया। जो इलीगल शेड था आगे और दूसरा जो एक एमएसबी का डीपी है जो ओपन स्पेस था उसको भी शॉप में कन्वर्ट किया था, वो इलीगल था। कंप्लेंट मतलब एमएसबी ने भी हमको लेटर दिया था और हमारे भी नॉलेज में आया, तो नोटिस देके आज की कार्रवाई हो गई। मैं तो एक मीटिंग के सिलसिले में हेड ऑफिस में था, अभी आया हूँ। हमारे जो भी इंजीनियर साइड पे थे उनसे मैं बात करके देख लेता हूँ। ऐसा मेरे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं है, अगर किसी के पास है और उसका प्रूफ है तो वो दे दे, जो संबंधित इसमें शामिल है उनके ऊपर हम लोग ये कर देंगे, पुलिस केस कर देंगे। अगर कोई हमारे नाम से या ये हमारा कोई बंदा ऐसा करता है, किसी के पास प्रूफ है ऐसे गलत मतलब एलिगेशन हो रहे तो नहीं, पक्षपात पना तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो सेक्शनल इंजीनियर थे साइड पे उनको मैंने बोला था, और वो भी जब भी इसके पहले भी कार्रवाई होती है तो ऐसे कभी हुआ नहीं है कि पक्षपात करके कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी1 इंडिया।